हम मोदी जी की बात करने नहीं आए, मुद्दे की बात करने हैं। मोदी जी ने 10 साल इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला कि गोबर को भी हलवा बना दिया। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। 2014 में आए थे आप लोगों के बीच, उन्होंने बोला था भाइयों बहनों मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा, भाइयों बहनों मोदी आएगा तो साल में 2 करोड़ नौकरी देगा, भाइयों बहनों मोदी आएगा तो महंगाई खत्म कर देगा, भाइयों बहनों मोदी आएगा तो काला धन लेकर के आएगा और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया डालेगा। 14 खत्म हुआ, आया 19। 19 में पुलवामा हुआ, सब लोग देश का सेंटिमेंट उधर जुड़ा। 19 में आके बोलते हैं कि भाइयों बहनों मोदी आएगा तो गरीबी खत्म कर देगा, मोदी आएगा तो हर किसान का आय को दुगुना कर देगा, मोदी आएगा तो सबका पक्का मकान बना देगा। बोले थे कि नहीं बोले थे? मतलब 10 साल में इतना झूठ बोले कि 24 में झूठ बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। बोले थे 19 में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, विशेष पैकेज देंगे। आज हम पूछने आए हैं परबत्ता की जनता से, आपको मोदी जी ने परबत्ता के लिए क्या किया, आपके गांव के लिए क्या किया, आपके पंचायत के लिए क्या किया और आपके जीवन में क्या सुधार आया? कोई सुधार नहीं आया, कुछ नहीं, बल्कि गरीबी और बढ़ गई, महंगाई और बढ़ गई, बेरोजगारी और बढ़ गई, पलायन और बढ़ गया, यही काम हुआ। तो 24 में मोदी जी आते हैं और 24 में बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कश्मीर इस्लाम सनातन, यही बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र का बात कर रहे हैं। अरे मोदी जी, जनता में जहर मत बोलिए, समाज को मत बांटो, काम की बात करो। परबत्ता की जनता जानना चाहती है मोदी जी आपने 10 साल में परबत्ता के लिए क्या किया, ये जानना चाहती है परबत्ता की जनता। अगर आप बिहार आते तो हिंदू मुसलमान की बात मत करो, नौकरी रोजगार शिक्षा चिकित्सा बेरोजगारी की बात करो, महंगाई और गरीबी खत्म करने की बात करो। भाजपा वाला आया, मोदी जी आए, कल 2-2 जगह भाषण दिया मोदी जी ने, मुंगेर में अररिया में। एक बार भी आपने सुना कि अगला 5 साल मोदी जी बिहार के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं। और आप बताओ, कोई मतलब नहीं है कि मोदी जी जो है मुद्दे की बात करें, असंभव है मोदी जी के लिए। देखो भाई, 4 चीज असंभव है। पहला असंभव यह है कि सूर्य भगवान पश्चिम से उग दे सकते हैं, दूसरा है कि रेगिस्तान में तुम मछली नहीं मार सकते, तीसरा कि आसमान में पेड़ नहीं लगा सकते और चौथा मोदी जी काम की बात नहीं कर सकते। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और आप बताइए, यहां टिकट मिला किनको मिला, उनका पता कहां है रे भाई? खगड़िया की लोग अब क्या भागलपुर जाएगी कि अपने खगड़िया के लाल को चुनेगी? अरे लोकल उम्मीदवार को ना चुनना है, अभी कौन है कहां से है कुछ पते नहीं भाई, हमको भी नहीं पता था ये कौन है। जब हम ही को नहीं पता
तो आप लोगों को क्या पता होगा? अरे भाई, वो तो बाद में जब टिकट मिला पता चला कि भाई कौन व्यक्ति है, कहाँ का है, तो पता चला कि भाई धनबल वाला लोग है और हम लोग यहाँ से टिकट दिए जनबल वाला लोग के। अब आप लोगों को फैसला करना है कि धन बल वाले को जिताना है कि जन बल वाले को जिताना है। धन बल वाला जीतेगा दोबारा आपको ताकने नहीं आएगा, जन बल वाला जीतेगा तो आप यही के हैं, यही रहेंगे, आपके बीच में रहेंगे, कहां जाएंगे? लेकिन वो भागलपुर रहते हैं कि दिल्ली रहते हैं तो पता नहीं, कहां का रात बिरात को इमरजेंसी हो जाएगा, रात बिरात को इमरजेंसी हो जाएगा तो आप लोग कहां जाइएगा, किसके पास जाओगे काम कराने, एडमिशन कराना हो, इलाज कराना हो, कोई पैरवी करना हो थाना में, कोई सीओ साहब को बोलना हो तो कहां कहां ढूंढ ले फिरिएगा। और हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि टिकट यहां कैसे लोगों को मिला है, तो हम इस पे ज्यादा कुछ नहीं चाहेंगे। आप मालिक हैं, आपको चुनना है कि आपका फायदा किसमें है, कौन आपकी तरक्की कर सकता है। मेरा मानना है कि भारत जब तक विकास नहीं कर सकता जब तक पर्वत्ता और बिहार विकास नहीं कर सकता, जब तक पर्वत्ता का विकास नहीं तब तक बिहार का विकास नहीं, और जब तक बिहार का विकास नहीं तब तक हमारा देश का विकास नहीं हो सकता। तो देखिए मुकेश सहनी जी आए हैं साथी, अब चाहे अगड़ा जात के भाई हो, पिछड़ा जात के भाई हो, अति पिछड़ा जात के भाई हो, दलित भाई हो, अल्पसंख्यक भाई हो, सब लोग एक हो गए इस मंच पर। हर रंग के लोग दिखेंगे, हर धर्म के लोग दिखेंगे, हर जात के भाई दिखेंगे। यहां से हम लोगों ने संजय कुशवाहा जी को टिकट दिया, इस बार पूरे बिहार में हम लोगों ने महागठबंधन के लोगों ने 60 टिकट जो है कुशवाहा भाइयों को दिया, सबको टिकट दिया, चाहे अगड़े हो पिछड़े हो। और चौपाल भाई को तो हमने जनरल सीट सुपौल से दिया है, सब लोगों को दिया है, यादव हो मुसलमान हो सब लोगों को। तो इसलिए हम लोग सबका साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबका सम्मान करना चाहते हैं, ये काम हम लोग करेंगे। मुकेश सहनी जी का पार्टी बीजेपी वाला लोग इनके विधायक को खरीद लिया, इनका तो विधायक को खरीद लिया, हमारे तो सीएमए को हाईजैक कर लिया। बताइए यही पर्वत्ता हम आए थे, सुनो पर्वत्ता में हमने कहा था कि तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेगा। बेईमानी हो गया थोड़ा मोड़ा, एक दो सीट इन्होंने हो गया कोई बात नहीं, लेकिन हम तो भाई चाचा जी का सम्मान करते थे, करते रहेंगे, बुजुर्ग है, अभिभावक है, उनको सब हाईजैक किए हुए हैं। लेकिन उस समय हमारे चाचा जी बीच में कहते थे कि कहां से लाएगा नौकरी, अपने बाप के पास से पैसा ला करके बांटेगा। लेकिन जब हमारे चाचा हमारे साथ आए, वो 17 महीने साथ रहे, और उस 17 महीने में तेजस्वी ने उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथ से नियुक्ति पत्र बंटवाया जो असंभव कहते थे। 5 लाख लोगों को हमने सरकारी नौकरी दिलाने का काम किया। हमने कहा था सब जितना स्वयं सहायक समूह है, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आंगनबाड़ी हो, सबके दुगुना कर देंगे मानदेय को। हम लोगों ने दुगुना किया, हम लोगों ने वादा किया था नियोजित शिक्षकों से कि राजकीय कर्मी का दर्जा देंगे जब हम सरकार में आएगा तेजस्वी, तो 4.5 लाख लोगों को तेजस्वी ने नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देने का काम किया। हम लोग 5 लाख तो दिए, 3 लाख का और इंतजाम करके आए हैं,
लेकिन देखो भाई ये लोग 3 लाख बहाली अभी रोके हुए हैं, जो हम करके आए हैं। बहाली तो नहीं निकाला लेकिन पेपर लीक जरूर हो गया तेजस्वी के जाने के बाद। हम लोगों ने काम करके दिखाया, आईटी पॉलिसी से लेकर टूरिज्म पॉलिसी से लेकर के हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, खेलने कूदने वाले मेडल लाने को वाले को भी नौकरी दिया, और खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल लाएगा वो डीएसपी भी बन सकता है बिहार पुलिस में, ये प्रावधान हम लोगों ने करने का काम किया। सारा काम हम लोग कर रहे थे लेकिन चाचा जी पलट गए बीच में, हाईजैक हो गए। लेकिन भाजपा के दो दो उप मुख्यमंत्री बने, बताओ इतना महीना हो गया, एक काम बता दो भाजपा के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का, दूदू को है ना, एक और काम बता दो इतना महीना में बिहार के लिए इन दोनों उप मुख्यमंत्री क्या किया, एक एक और काम किया कि दिन रात लालू जी आपको गाली दे रहे, बताओ यहीं से ना गया लोग। हम लोग मान सम्मान देते हैं, फिर बाद में लोग पलट जाता, फिर हम ये के घर आता है। खैर कोई नहीं, जो लोग है भाई लोग है, बड़ा लोग है सब लोग। हम लोग नफरत फैलाने का काम नहीं करते, हम लोग कलम बांटने का काम करते हैं, ना कि तलवार बांटने का काम करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, संजय जी चुनाव जीतेंगे तो राहुल गांधी जी, लालू जी, यचुरी जी, डी राजा जी, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, स्टालिन जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार की सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी, तो आने वाला 15 अगस्त को 1 करोड़ नौजवानों को देश भर में सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। कितना आवाज दिलाना पीछे से, कितना 1 करोड़। तेजस्वी ने एक प्रदेश में उप मुख्यमंत्री रहते 5 लाख दिया, तो इतना बड़ा बड़ा लोग का सरकार बनेगा तो पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलवाएंगे। यानी 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी दिलाया जाएगा, और आने वाला रक्षाबंधन को जितनी हमारी गरीब परिवार की बहन है उनको साल में एक बार 1 लाख रुपया का मदद हम लोग करेंगे। साल में एक बार गरीब परिवार की बहन को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। गैस सिलेंडर मोदी जी 1400-1200 कर दिए हैं, वो गैस सिलेंडर को 500 रुपया हम लोग करने जा रहे हैं। बिहार में बिजली सबसे महंगा बिजली है, अगर इंडिया की सरकार बनेगी, संजय जी जीतेंगे तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलाने का काम करेंगे। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा, पुराने तरीके से बहाली चलाया जाएगा, अग्निवीर में ट्रेनिंग में 4 साल खत्म हो जाएगा। और उसमें अग्निवीर में क्या है भाई, शहीद का दर्जा नहीं है, पेंशन नहीं है, आपको कैंटीन की सुविधा नहीं है आर्मी के लोगों को, इसलिए ये योजना को रद्द किया जाएगा। शहीद का भी दर्जा मिलेगा, कैंटीन की व्यवस्था मिलेगी, मेडिकल भी मिलेगा और पेंशन भी मिलेगा, और पेंशन मिलेगा तो ओल्ड पेंशन नियम के हिसाब से हम लोग लागू करेंगे। तो ये सारा काम, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज हम लोग देंगे 1,60,000 करोड़ का, यानी एक लोकसभा क्षेत्र में 40 में अगर बांटे तो एक लोकसभा क्षेत्र को मिलेगा 4,000 करोड़ रुपया, ताकि आपके विकास हो सके, पर्वतता का विकास हो सके। हम लोग काम की बात करने आए तो सोचिए, कलम बांटने वाले को चुनोगे कि तलवार बांटने वाले को चुनोगे? ये लोग कुछ नहीं करेगा, वो लोग खाली चुनाव में आएगा, नौकरी महंगाई गरीबी के बारे में बात नहीं करेगा, राम मंदिर तो फल्ला जी चिल्ला जी के बारे में बात करेगा। आप लोगों का कर्तव्य बनता है, सवाल बनता है कि जनता पूछे कि जीतोगे तो क्या करोगे तुम, हमारी सरकार ने 10 साल में एनडीए की सरकार ने क्या किया,
40 में से उन 40 सांसद जो है भेजा, आखिर उन्होंने क्या किया, ये सवाल जायज है, ये बनना बनता है आप लोग पूछे। तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप सब लोगों से यही अपील करेंगे कि आप सब लोग हसुआ और हथौड़ा पर बटन दबा करके संजय जी को भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम कीजिए। तो गड़बड़ाना नहीं रे भाई, अब सब लोग एक हो जाइए, गोलबंद हो जाइए, गोलबंद होइए तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी आने वाला 15 अगस्त को हम लोग जो है बेरोजगारी से आजादी दिलाने का काम करेंगे। तो संजय जी को जिताना है ना, अरे विजय का माला पहना दे, दोनों हाथ उठा करके बताइए। चलिए, परबत्ता की जनता जिंदाबाद, आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।